Hi students, today in this video we go for exercise of chapter 3, Robinson Crusoe discovers a footprint. It is the name of the chapter. We start now from the meaning words. Number 1, to discover. The meaning of discover is to find, to notice. Means kuch find karna, kuch khoj karna. Number 2, footprint. फुटप्रिंट मीन्स फुट मार्क, यानी पैर की जो छाप होती है, पैर का जो मार्क होता है, जो उसको बोलते फुट मार्क. नंबर 3, कैसल. कैसल मीन्स पैलेस. नंबर 4, टू चेस. टू चेस मीन्स टू रन आफ्टर, मीन्स पीछा करना. नंबर 5, सेवेज. सेवेज मीन्स अ वाइल्ड मैन, जो फॉरेस्ट में जो रहता है. एंड नंबर 6, टू वंडर. टू वंडर मीन्स टू मूव और ट्रेवल एमलेसली, मीन्स कोई भी हेतु के बिना और कोई भी हमारे एम के बिना जहां तहां, जिसको हम बोलते हैं भटकना, उसको बोलते हैं टू वंडर. नंबर 7, प्रोटेक्शन. प्रोटेक्शन मीन्स सेफ्टी. एंड 8, कम्फर्टेड. कम्फर्टेड का मीनिंग है फेल्ट बेटर. वी गो फॉर नेक्स्ट नाउ. नंबर 9, फ्रिक्वेंटली. फ्रिक्वेंटली का मीनिंग होता है ऑफन, यानी बार बार. नंबर 10, टू सीम. टू सीम का मीनिंग होता है टू अपियर. अपियर यानी देखना. नंबर 11, इनहैबिटेड. इनहैबिटेड का मीनिंग होता है ऑक्यूपाइड, मीन्स ऑक्यूपाई जिसने कर लिया है, जिसके हस्तक हो गया है, जहां पे कोई रहता है इस तरह से, उसको बोलते हैं ऑक्यूपाइड. एंड नंबर 12, टू इन्वेस्टिगेट. उसका मीनिंग होता है टू एग्जामिन, टू चेक. सो दीज आर द मीनिंग वर्ड्स. एंड नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज. एंड हियर इज द प्रोज कॉम्प्रिहेंशन, दैट रीड द पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस. पैराग्राफ को रीड करके आपको आंसर लिखने हैं क्वेश्चंस के. द पैराग्राफ स्टार्टिंग फ्रॉम When I come to my, ये चैप्टर में से दो पैराग्राफ छोटे छोटे लिए गए हैं. When I came to my, यहां से वो स्टार्ट होता है, और in a small boat. ये आप टेक्स्ट बुक में से रीड कर सकते हो दिस पैराग्राफ्स. एंड आफ्टर देन यू हैव टू गिव द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस. नाउ वी गो फॉर द क्वेश्चंस. टिक द करेक्ट ऑप्शंस. यहाँ पे आपको टिक करना है जो करेक्ट आंसर है उस पे. एंड द आंसर यू कैन फाइंड फ्रॉम द पैराग्राफ. नंबर 1, रॉबिन्सन क्रुशो लिव्ड इन अ. हियर वी हैव टू कंप्लीट द सेंटेंस बाय टिक द आंसर. एंड द आंसर इज केव. यू कैन फाइंड दिस वर्ड फ्रॉम द पैराग्राफ. नंबर 2, रॉबिन्सन क्रुशो कोल्ड हिज केव. हिज मीन्स रॉबिन्सन क्रुशो जो है वो अपनी जो केव है उसको क्या बोलते थे. आंसर कैसल. This answer also you can find from the paragraph. And now the next question is write opposite words for given words. Here two words are given to you and you have to find the opposite of these words from the paragraph. Number 1, forget. Forget means bhul jana, aur yahan pe uska opposite jo hai remember. And you can फाइंड दिस वर्ड. रिमेम्बर जो वर्ड है वो आपको पैराग्राफ में से ही मिल जाएगा. नंबर 2, केम. केम यानी इट इज अ पास्ट ऑफ कम. केम यानी आ गया. एंड उसका जो अपोजिट है वो क्या है. वेंट. वेंट मीन्स गया. सो दीज आर द अपोजिट्स दैट आंसर्स यू कैन फाइंड फ्रॉम द पैराग्राफ. एंड नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. And here is the short question answer of the entire chapter. Number 1, what made Robinson Crusoe think that the print on the ground was a footprint? Means क्या ऐसा क्या है जो Robinson Crusoe को सोचने पे मजबूर किया कि वो जो प्रिंट है वो फुट प्रिंट है. मीन्स जो उसने जो सैंड पे प्रिंट देखा ना वो फुट का ही है, तो ऐसा क्या था. आंसर, रॉबिन्सन क्रुसो थॉट दैट द प्रिंट ऑन दिस ग्राउंड वॉज अ फुट प्रिंट बिकॉज
It had toes, heel and every part of a foot. क्योंकि वो फुटप्रिंट ही था, क्योंकि उसके जो पार्ट्स थे वो सारे फुट के ही पार्ट्स थे. इट हैड टोस, टोस मीन्स उसकी जो पैर की उंगलियां थी, हील एडी थी, और इस तरह से पूरा जो प्रिंट है वो फुट के जैसा ही था. सो दिस मेड रॉबिन्सन क्रूसो थिंक दैट द प्रिंट ऑन द ग्राउंड वॉज अ फुट प्रिंट. सो दिस इज द आंसर. एंड नाउ वी गो फॉर द सेकेंड क्वेश्चन. Question number 2. Why was Robinson afraid when he looked at the bushes and trees? The meaning of this question is कि Robinson जो है वो क्यों afraid यानी डर क्यों गए जब उन्होंने bushes और जो trees की जो झाड़ियां थी उसकी ओर देखा, तो उन्होंने वो डर क्यों गए. Answer: Robinson Crusoe was so frightened. Here afraid and frightened, the meaning are same. दोनों की मीनिंग एक ही है. फ्राइटेंड का मीनिंग होता है कि डर जाना, और अफ्रेड का मीनिंग भी होता है डरा हुआ. सो दीज टू वर्ड्स आर सेम. यू कैन राइट हियर अफ्रेड ऑल्सो. रॉबिन्सन क्रूसो वॉज सो फ्राइटेंड दैट ही मिस्टूक एवरी बुश एंड ट्री टू बी अ मैन. मीन्स रॉबिन्सन क्रूसो जो है वो एकदम डर गए थे, और दैट ही मिस्टूक, इट इज अ पास्ट ऑफ मिस्टेक, मिस्टेक, और वो मिस्टेक यानी कि वो गलती से ऐसा मानने लगे कि जो बुश, हर एक ट्री की जो झाड़ी है या फिर ट्री है, वो कोई मैन है या कोई मैन उसका पीछा कर रहा है. तो इस तरह से वो डर गए थे, क्योंकि उनको जो ट्री या बुशिस है वो मैन के जैसे दिख रही थी. नाउ नंबर 3. व्हाई डिड रॉबिन्सन प्रे व्हेन ही सो द फुटप्रिंट. यानी जब उन्होंने फुटप्रिंट देखा तब वो क्यों प्रे क्यों करने लगे गॉड को. आंसर: व्हेन रॉबिन्सन सो द फुटप्रिंट ही वाज सो फ्राइटेंड दैट ही प्रेड फॉर हिज प्रोटेक्शन. जब रॉबिन्सन ने वो देखा फुटप्रिंट, तो वो डर गए और उन्होंने गॉड को प्रे किया. और फिर क्यों प्रे किया? क्योंकि उनको उनकी रक्षा करने के लिए. प्रोटेक्शन मीन्स रक्षा. उन्होंने बोला कि मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि कोई यहाँ पे आया है. सो बाय फियर ही प्रोटेक्टेड, ही प्रेड टू गॉड फॉर प्रोटेक्शन. नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट. नंबर 4. व्हाट हैपेंड व्हेन रॉबिन्सन क्रूसो वेंट आउट फॉर 2 or 3 days. मीन्स जब वो उन्होंने प्रे किया तो फिर उनको थोड़ा कंफर्टेड महसूस हुआ, तो उन्होंने बाहर जाना स्टार्ट किया. और फिर वो जब 2 or 3 दिन बाहर गए तो क्या हुआ, उसी क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर लिखना है. आंसर: व्हेन रॉबिन्सन क्रूसो वेंट आउट फॉर 2 or 3 days ही डिड नॉट सी एनीथिंग एंड सो ही बिकेम अ लिटिल बोल्डर. जब रॉबिन्सन क्रूसो बाहर गए 2 या 3 दिनों तक लगातार बाहर गए, तो उन्होंने क्या किया कि वो फुटप्रिंट उन्होंने देख लिया था, तो उनके मन में डर तो था ही, बट आफ्टर 2 or 3 days उन्होंने कुछ वहां पे देखा नहीं. ही डिड नॉट सी एनीथिंग यानी कुछ उनको दिखाई नहीं दिया. एंड सो ही बिकम अ लिटिल बॉर्डर, तो उनमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया और वो अंदर से थोड़े स्ट्रांग हो गए कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है. सो दीज आर द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द चैप्टर. यू हैव टू रीड दिस एक्सरसाइजेस एंड रिपीट इन द नोटबुक. थैंक यू.